हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके बाद से ही काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, जो इसका परीक्षा है वो कब होगी, क्योंकि परीक्षा की डेट है वो अभी घोषित नहीं की गई है। इसके अलावा पेट में कितना स्कोर हो जिससे कि वो सेफ रह सके लेखपाल भर्ती को लेकर। ठीक है, मतलब आयोग ने कहा है कि अभी जो फॉर्म भरने वाले हैं वो सभी लोग भर सकते हैं, जितने लोगों ने UP SSC PET की जो एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग, चाहे उनके 10 नंबर ही क्यों ना हो, वो भी फॉर्म इस समय भर सकता है। लेकिन सिर्फ फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है कि कितना स्कोर हो जिससे कि वो लेखपाल भर्ती में बैठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा तिथि से संबंधित कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 फरवरी तक संशोधन किया जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें संशोधन की जो डेट है वो 4 फरवरी तक है। ठीक है, 4 फरवरी तक है। तो 4 फरवरी तक तो यहां पर संशोधन होगा। ठीक, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब ये एक चीज आप सभी को पता है कि 17 लाख लोगों ने UP SSC PET का एग्जाम दिया था। ठीक है, लेकिन अब 17 लाख पूरे तो भर नहीं देंगे फॉर्म, क्योंकि देखिए, ये मान के चलिए कि जिनका काफी कम स्कोर है वो तो फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन मान के चलिए कि ₹25 रखा गया है। ठीक है, अभी जो फॉर्म भरा जाएगा वो ₹25 का रखा गया है, तो हो सकता है कि 10 लाख लोग फॉर्म भर दें। ठीक है, 10 लाख लोग फॉर्म भर दें या 5-8 जितने भी लोग फॉर्म, क्योंकि ₹25 का है, बहुत से लोग फॉर्म भर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, तो 4 फरवरी तक तो ये संशोधन होगा। ठीक, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब UP SSC PET का यही आप देख लीजिए कि 5 साल लग गए लगभग यहाँ पर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देने में, तो कुछ नहीं तो ये कम से कम 20 दिन तो कम से कम लेंगे, तो ये फरवरी पूरी निपट गई इसी में। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने में ही हो जाएगी। उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनसे दोबारा आवेदन करवाए जाएंगे, उनसे मतलब दोबारा फीस ली जाएगी एक बार। ठीक है, जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनसे दोबारा फीस ली जाएगी कि परीक्षा से पहले। ठीक है, तो फिर ये मान के चलिए 15 मार्च जो बातें सुनने में आ रही है, और 15 मार्च से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, हो सकता मार्च के एंड में ही हो, लेकिन 15 मार्च तक ही परीक्षा आपकी हो पाएगी, इससे पहले बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि फरवरी के लास्ट की तैयारी आप लोग करके रखें, लेकिन मेरी तरफ से ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फरवरी के लास्ट तक की तैयारी इसलिए करिए, यह मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट में आपकी परीक्षा हो जाएगी। उस तरीके से अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आगे आपको टाइम और मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, लेकिन 15 मार्च से पहले पेपर नहीं हो पाएगा, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। ठीक, दूसरी बात है कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर जो बातें चल रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि UP SSC की तरफ से एक बार बयान आया था कि 15 से 20 गुना लोगों को इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी इस पर ट्विटर कैंपेन हुआ था और काफ़ी इसका विरोध किया गया था। हालांकि देखिए, अगर 15 गुना की बात करते हैं, 15 गुना तो 8,000 पद है, तो लगभग 1,20,000 करीब पद यहाँ पर होंगे, 1,20,000 कैंडिडेट। लेकिन इतने में अगर देखा जाए तो 90+ वालों का ही हो पाएगा परसेंटेज जिसका है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक चांस ये बन रहा है कि हो सकता है ये कह दें कि 85% ठीक है, 85% के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों को इसमें रखा जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कैटेगरी वाइज परसेंटाइल लिया जाएगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी और जो भी अन्य भी कैटेगरी होती है उन सबका अलग अलग भी 15 या 20 गुना किया जा सकता है। उम्मीद यही है कि लगभग 2-2.5 लाख लोग तो यहाँ पर बुलाए जाएंगे, उस हिसाब से 85 से प्लस वाले तो यहाँ पर परसेंटाइल वालों को तो तैयारी 100% अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और तैयारी देखिए, अगर आप लोग कर सकते हैं तो 80 प्लस वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी इतना विरोध हुआ तो हो सकता है कह दे कि 3 लाख लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो 80 से ऊपर है तो अपनी तैयारी ज़रूर आप लोग स्टार्ट करें। और कोई मन में आपके सवाल रह गया हो जैसे लेखपाल भर्ती को लेकर, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने 15 गुने की बात की थी, 15 गुने में 1,20,000 ही लोग हो पा रहे हैं। ठीक है, 1,20,000, ठीक, 1,20,000, और 1,20,000 का मतलब समझें आप लोग कि जैसे इन्होंने 15 गुने की बात कर दी थी। ठीक है, 15 गुना 1,20,000 हुआ, और अगर परसेंटाइल जिस हिसाब से निकालने जाती है वैसे देखिए, अगर 17 लाख में 1,20,000 का अगर निकालेंगे तो ये कम से कम कुछ नहीं तो 93% 94% से ऊपर वालों को लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो 85 से ऊपर वालों को तो यहां पर मौका मिलेगा ही मिलेगा। और 80 से ऊपर वाले भी अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि देखिए
कुछ भी हो सकता है बाई चांस, क्योंकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये मैं अपनी एक तरफ से बता रहा हूँ कि 85 से ऊपर यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी किसी आयोग की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अभी से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी अच्छे से करें और समय अभी बहुत है। हो सकता है कि आप लोग अगर अभी से तैयारी करें, हो सकता है बाद में कुछ ज़्यादा लोगों को मौका भी दे दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।